उसमें इसने बताया कि ये करीब पंजाई बाग के आसपास रहता था, तो हमने विशेष तौर पे पंजाई बाग की एफआईआर सबसे चेक की। उसमें बच्चे की पूछताछ में पता चला कि वो बच्चे को एक लेडी 8 साल पहले पंजाई बाग से अगवा करके ले गई थी और उसने उनको बिहार में छोड़ दिया था। फिर उसके बाद दोबारा उसको बिहार लेके गई थी, फिर वो वहाँ से किसी के साथ भागने में कामयाब हो गया। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो अब देर किस बात की है, तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। 8 साल पहले दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से एक 4 साल का मासूम गायब हो गया था, जिसके बाद उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की। इतने समय में पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ऐसा ही कुछ इस मामले में देखने को मिला है। दरअसल पूरे 8 साल बाद वो बच्चा वापस अपने परिवार के पास लौट आया है। इस बात की जानकारी DCP वेस्ट घनश्याम बंसल ने खुद प्रेस रिलीज के माध्यम से दी है, जिसकी वीडियो आप जरूर देखें। सर, 8 साल के बाद बच्चे को परिवार से मिलवाया जी, ये पंजाबी बाग थाने की 2014 की घटना है, जिसके अंदर एक 4 साल का बच्चा मिसिंग हो गया था परिवार से और उसकी कोई पता नहीं चल पा रहा था। तो इसके अंदर हमारे जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है ASTU वेस्ट, उसमें ACP श्री अरविंद कुमार और इंस्पेक्टर धारा मिश्रा, इसमें हमारे जो टीम मेंबर्स थे जिसके अंदर ASI जसवीर हैं और हेड कांस्टेबल शीशराम और अन्य मेंबर्स, इनकी अगुवाई में एक टीम बनाई गई है जिसमें हम जो भी मिसिंग बच्चे कहीं पे ट्रेस होते हैं तो उनकी जांच पड़ताल करते हैं कि वो कहाँ से मिसिंग है। ऐसी ही एक खोज के अंदर हमें लाजपत नगर चिल्ड्रन होम में एक ये बच्चा मिला, करीब 12-13 साल का था ये, और इसने बताया कि मैं 8-9 साल से अपने माँ बाप से अलग रह रहा हूँ और मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। तो उसके बिना पे इन्होंने एक सर्च किया कि 8 साल करीब पुरानी FIR सारी चेक की गई पूरी दिल्ली की। उसमें इसने बताया कि ये करीब पंजाबी बाग के आसपास रहता था, तो उन्होंने विशेष तौर पर पंजाबी बाग की FIRs वगैरह चेक की। उसमें बच्चे की पूछताछ में पता चला कि वो बच्चे को एक लेडी 8 साल पहले पंजाबी बाग से अगवा करके ले गई थी और उसने उसको बिहार में छोड़ दिया था। फिर वो वापस जो है वहाँ पे बिहार पुलिस को जब सूचना मिली तो वो लेडी उसको यहाँ भगा के वापस दिल्ली ले आई थी। फिर उसके बाद दोबारा उसको बिहार लेके गई थी, फिर वो वहाँ से किसी के साथ भागने में कामयाब हो गया। फिर यहाँ पर आकर जब कहीं उसके घर का उसको नहीं पता चला तो उसको लाजपत नगर चिल्ड्रन होम में फिर उसको रख दिया गया था। और इसके बाद जब हमारी टीम को मिला तो हमने उसके घर को ट्रेस करके और जब उनके माँ बाप से उसको मिलवाया तो क्योंकि 8 साल का अरसा बहुत लंबा होता है तो वो पहचान नहीं पा रहे थे। आफ्टर थॉरो जो है इंक्वायरी, वो पता चला कि बच्चा अपने माँ बाप से पहचान गया और माँ बाप भी बच्चे को पहचान गए और उसके अंदर हमने फिर उनको रीयूनाइट किया, जिससे कि परिवार बहुत खुश है कि इतने सालों बाद उनका बच्चा उन्हें वापस मिला है। और अभी हम जो वो अपराधी महिला है उनकी हम तलाश कर रहे हैं जिसने इस बच्चों को अगवा किया था। इन्वेस्टिगेशन ऑन है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।